मेघना श्यामलाल और सुजाता की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो लाडली भी थी। उसके पिता श्यामलाल किताबों की दुकान चलाते थे। मेघना भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अब अपने पिता के साथ ही दुकान पर बैठती थी। मेघना बेटी, ला तेरे बालों में तेल लगा दूं? कितने दिन हुए तूने सिर की मालिश भी नहीं करवाई। लंबे बाल रखने का शौक है पर तेल भी तो लगाया कर। माँ, तुम हो ना मेरे बालों की देखरेख करने वाली, तो मुझे क्यों चिंता होने लगी? अच्छा, ससुराल चली जाएगी तो खुद से ही अपने सारे काम करने होंगे तुझे। क्या माँ, मैं तो वहाँ भी तुम्हें ही ले जाऊंगी। अगले दिन मेघना के पिता दुकान की किताबें और स्टेशनरी खरीदने बड़े बाजार चले जाते हैं। मेघना दुकान पर बैठी होती है। जी, मुझे एक फाइल मिलेगी, बड़ी ऑफिस फाइल। जी, ये 60 रुपए और ये 80 रुपए वाली है। ये 80 रुपए वाली दे दीजिए। ये इस तरह से पेपर नहीं लग पाएंगे, रुकिए मैं आपको पेपर पंचिंग मशीन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, वरना कोई इतनी मदद नहीं करता। वैसे मेरा नाम राजीव है, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम मेघना है। धीरे धीरे मेघना और राजीव दोस्त बन गए और अक्सर एक दूसरे को वक्त देने लगे। और फिर एक दिन, मेघना, विल यू मैरी मी? हाँ राजीव, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। राजीव और मेघना अपने परिवारों में बात करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। मेघना अपने ससुराल आती है। राजीव के परिवार में राजीव के अलावा उसके माता पिता और छोटे भाई बहन थे। रिचा, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। जी क्या, मैं अभी और इसी वक्त आता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आता हूँ। राजीव, अभी इस वक्त कहाँ निकल रहे हो? बेटा, आज तो तुम्हारी शादी हुई है और बहू को यूं अकेले छोड़कर जाना जरूरी है क्या? माँ, ऑफिस में कुछ वर्कर्स दंगे पर उतर आए हैं तो मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। अब नौकरी में तो ऐसा ही होता है ना माँ, मुझे जाना होगा। मैं मेघना को समझा दूंगा, वो समझदार है। मेघना, मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना होगा। वर्कर्स स्ट्राइक करके ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जैसी ही बात सुलझेगी मैं आ जाऊंगा। मुझे भी बुरा लग रहा है ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए। कोई बात नहीं राजीव, पहले काम जरूरी है। मेघना राजीव को जाते हुए देखती है और कहती है, राजीव सुनो, जल्दी आना। राजीव ऑफिस चला जाता है। अरे माँ, राजीव भैया कहाँ गए? राजीव के ऑफिस में कुछ मजदूरों ने दंगा कर दिया है, इसलिए उसे जाना पड़ा। राजीव, अरे मोहन सुरेश, ये क्या तरीका है मांगे पूरी करवाने का? इसे मारो सबसे पहले, तो ये मालिक का चहेता है, इसे मारो मारो मारो। सब वर्कर राजीव पर डंडे बरसाने लगते हैं। राजीव के सिर पर चोट आती है और वो वहीं मर जाता है। सारे वर्कर डर जाते हैं। अरे मालिक की गाड़ी आ गई, भागो भागो। राजीव, ये क्या हुआ राजीव? सर, ये तो मर चुके हैं। हमें ये बुरी खबर राजीव के परिवार को देनी होगी। बॉस राजीव के घर फोन करके राजीव के मरने की खबर देता है। ये नहीं हो सकता, मेरा राजीव, नहीं नहीं। पिता का फोन हाथ से छूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से सबको ये बात बताता है। मेरा राजीव, ये क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? भैया, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? कुछ देर बाद मोहित रोता हुआ राजीव की लाश को घर ले आता है। मेघना तो बिल्कुल शांत हो चुकी थी, मानो उसकी जिंदगी रुक गई हो। राजीव, आप मुझसे वादा करके गए थे कि जल्दी वापस आओगे। आपने वादा तोड़ दिया राजीव, आपने वादा तोड़ दिया। मेघना के माता पिता भी आ जाते हैं। पूरा माहौल सदमे में आ जाता है। राजीव का अंतिम संस्कार हो जाता है। बहन जी, क्या कुछ दिनों के लिए हम मेघना को अपने साथ ले जा सकते हैं? जी ले जाइए, कुछ दिन इसका मन बहल जाएगा। माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही राजीव की यादों के सहारे रहूंगी। तभी राजीव की बुआ दादी कुछ औरतों के साथ आ जाती है। आशा, ये क्या हो गया? राजीव कितनी छोटी उम्र में चला गया? अब रीति रिवाज के मुताबिक मेघना बहू को राजीव की विधवा बनकर रहना होगा। पर बुआ दादी, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तभी तो इन विधवाओं को लाई हूँ, ये मेघना को सब कुछ समझा देंगी। माँ, ये सब करना क्या जरूरी है? माँ, भाभी के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये आजकल के बच्चे हमें बताएंगे रीति रिवाज। चलो तुम लोग मेघना को सफेद साड़ी पहना लाओ, फिर इसके सिर के बाल उतरवाने हैं। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, भैया के जाने की इतनी बड़ी सजा, इसमें इनकी क्या गलती है? आशा जी, मेरी बच्ची के बाल मत उतरवाइए, मेरी बच्ची ये सहन नहीं कर पाएगी।
सब लोग चुपचाप मेघना के साथ होते अन्याय को देख रहे थे। मेघना को सफेद साड़ी पहनाकर चौकी पर बिठा दिया जाता है। नाई मेघना के बाल उतारने के लिए उस्तरा निकालता है। बुआ दादी, क्या ये सब जरूरी है? अभी इसकी उम्र ही क्या है, अब किस्मत ही फूटी हुई है इसकी। विधवा योग था तो अब पूरी जिंदगी विधवा बहू बनकर ही रहना होगा। मेघना रोए जा रही थी। सब लोग उसके साथ ये सब होता देख रहे थे, पर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरी बच्ची मेघना, भाभी। मेघना बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, उसके आंसू सूख रहे थे। उसकी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में था। तभी मोहित तेजी से मेघना की तरफ जाता है और उसका हाथ पकड़कर घर के मंदिर की तरफ ले जाता है और मंदिर में रखे सिंदूर को मेघना की मांग में भर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़के ने, विधवा बहू से शादी कर ली। चलो चलो यहाँ से, कैसे पापियों का घर है। मेघना मोहित को चाटा लगा देती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आशा, कहीं ना कहीं मोहित ने जो किया है वो ठीक ही तो है। मेघना से शादी करके मोहित ने मेघना की जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। अभी उस बेचारी ने देखा ही क्या है। शायद आप ठीक कह रहे हो जी, हम भी तो ये सोच सकते थे, पर पुराने रीति रिवाजों के पल्ले में बंद कर आज एक बहू के साथ अन्याय कर रहे थे। मेघना मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ राजीव की यादें तुम नहीं भुला सकती, पर तुम्हें इस हालत में देखकर राजीव की आत्मा भी दुखी होगी। सब लोग मिलकर मेघना को समझाते हैं और मोहित के फैसले की सराहना करते हैं। मेघना की जिंदगी में फिर से एक बार रंग भर जाते हैं। एक विधवा बहू की शादी करके खुशियाँ मेघना की जिंदगी में फिर से दस्तक देती है। शंभूनाथ जी के परिवार में इन दिनों कुछ ज्यादा ही हलचल थी। आज सुबह से भी उनके यहाँ मेहमानों के आने का सिलसिला जारी था। बलिया वाली गोमती मौसी और हरिचंद मौसा, लखनऊ वाली शिखा बुआ और फूफा जी, पटना से नरेंद्र चाचा और लक्ष्मी चाची कब की आ चुकी थी। बस इंतजार था तो केवल दिल्ली में रहने वाले गोवर्धन मामा का। आखिर उनके सबसे लाडले भांजे अर्जुन की शादी जो तय हो गई थी। अर्जुन की माँ गोमती मौसी और शिखा बुआ के साथ बैठी है। अरे बेटा, तूने पता किया क्या, गोवर्धन मामा की ट्रेन कब तक आ रही है? ट्रेन 1 घंटे लेट है माँ, मुझे भी तो बेसब्री से उनका इंतजार है। गोवर्धन मामा की कोई औलाद नहीं थी, वो अर्जुन को अपने बेटे की तरह मानते थे। अर्जुन ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अपने मामा के पास रहकर ही की थी। आज अर्जुन बैंक में अफसर है और वो इसका सारा श्रेय अपने मामा को देता है। उसके मामा भी बैंक में अफसर थे। जब वो उनके पास रहता था तो उन दोनों ने अर्जुन का बहुत ध्यान रखा था, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा किया। या यूं कहें कि माँ पापा के बाद मामा मामी को ही वो सबसे ऊंचा दर्जा देता था। अर्जुन पुराने दिन याद कर रहा था कि कैसे मामा जी सुबह सुबह पढ़ने के लिए उसे जगाते, कभी कभी तो खुद चाय बना कर लाते, उसकी पढ़ाई में हर संभव मदद करते। कॉलेज जाने के लिए उनकी दी हुई लाल बाइक तो उसकी फेवरेट थी। गाड़ी के आगे उसके मामा जी ने स्टिकर से अर्जुन लिखवाया था। उनके उस उपहार को देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि दरवाजे पर अर्जुन पुकारते हुए मामा जी दाखिल हुए। अर्जुन, ओ बेटा अर्जुन, जल्दी से अपने मामा के सीने लग जा बेटा। मामा, मामी, आप लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी? चलिए, आप लोग बहुत थक गए होंगे, ऊपर वाले कमरे में आराम कीजिए। आराम? हम यहाँ आराम करने नहीं आए, अभी तो कितनी सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है। अर्जुन अपने मामा मामी से बात कर ही रहा था कि तभी अर्जुन की माँ शिखा बुआ के साथ वहाँ गई। अरे अर्जुन, मामा मामी के आते ही सबको भूल गया। अरे दीदी, तुम थी कहाँ? ये कहकर मामा जी ने अपनी बहन यानी अर्जुन की माँ के पैर छुए। फिर तो सभी लोगों के बीच लंबी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। अर्जुन की माँ और शिखा बुआ अपनी होने वाली बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अब क्या बोलूँ अपनी होने वाली बहू के बारे में, अभी उसके कदम इस घर में पड़े भी नहीं है कि एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है। बस अब जल्दी से निर्मला के शुभ कदम इस घर में भी पड़ जाए। सत्य प्रकाश दुबे अर्जुन के होने वाले ससुर पेशे से अध्यापक थे। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था, जिनके नाम अंजलि, वेद प्रकाश और निर्मला थे। अंजलि सबसे छोटी थी, वो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। वेद प्रकाश नगर पालिका में क्लर्क था।
वो घर में सबसे बड़ा था और मंजली थी निर्मला। निर्मला जैसा नाम वैसा ही रूप और गुण। निर्मला सबका बहुत ख्याल रखती थी, चाहे बाबूजी की धोती तैयार करनी हो या भैया की कमीज। अंजलि को भी पढ़ाई में मदद कर दिया करती थी, पूरा घर वो ही संभालती थी। सत्यप्रकाश जी की पत्नी 5 साल पहले ही गुजर गई थी, तभी से घर की जिम्मेदारी निर्मला ने उठा रखी थी। 2 दिन और गुजर गए, शादी का दिन आ गया। सिल्क की क्रीम रंग की शेरवानी में अर्जुन किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। बारात निकलने के पहले मामी ने अर्जुन को काला टीका भी लगा दिया। अर्जुन के पापा भी आज दूल्हे का पिता बनकर फूले नहीं समा रहे थे। मामा जी अर्जुन को देखकर रह रहकर भावुक हो जा रहे थे। शिखा बुआ और लक्ष्मी चाची में तो सुंदर दिखने की होड़ लगी थी। 3-3 साड़ियां वो बदल चुकी थी, लेकिन अभी भी कोई साड़ी फाइनल नहीं हुई थी। गोमती चाची को उनकी पायल नहीं मिल रही थी, तो वो उसके लिए परेशान हो रही थी। बैंड वाले आ चुके थे, बारात निकलने का समय हो रहा था। तय समय से 1 घंटे से लेट बारात घर से निकली। ना चाहते हुए भी बारात निकलने में देरी हो ही गई जीजा जी। अरे शादी ब्याह में तो इतना लेट चलता ही है। लेकिन आप कह रहे थे निर्मला के घर जाने की सड़क थोड़ी खराब है, वहाँ तो गाड़ी धीमी ही चलेगी, तो और भी देर हो जाएगी। हाँ वो तो है, इसलिए मैंने निर्मला के पापा को फोन कर दिया है कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। ये ठीक किया आपने। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए थे। अर्जुन शादी के ख्यालों में खोया हुआ था। बारात में सभी नाचते गाते जा रहे थे। रात हो चली थी। निर्मला का घर अभी 30 किलोमीटर दूर था। मामा जी जिस गाड़ी में बैठे थे, अचानक से उसके ड्राइवर के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। वो गाड़ी चलाने की कंडीशन में नहीं था, तो मामा जी ने उसे पीछे आराम करने को कहा और खुद गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल ली। अरे इस रास्ते का आपको आइडिया है, चला लेंगे ना, देख नहीं रहे कितने गड्ढे हैं यहाँ। अरे कोई बात नहीं, देख नहीं रही, ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है। आप बोलिए तो हम इस गाड़ी को छोड़ देते हैं और दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे नहीं जीजा जी, आप लोग क्यों डर रहे हैं, मैं कोई नया चालक थोड़ी ही हूँ। लेकिन होनी के अगले पल ने अपने भीतर कुछ और छिपा रखा था। रात के अंधेरे में एक बड़े से गड्ढे पर मामा जी की नजर नहीं गई। गाड़ी का चक्का उसमें घुसते ही अनबैलेंस्ड हो गया और गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। मामा जी का शरीर स्टीयरिंग के बीच पूरी तरह फंस गया। अर्जुन के पापा शंभुनाथ झा और मामी दोनों बेहोश हो गए थे। पल में ही बारात की खुशियों का माहौल चीख पुकार में बदल गया। अर्जुन दूसरी गाड़ी में बैठा था, वो भागा भागा वहां आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया। अर्जुन ने अपने मामा जी को स्टीयरिंग से निकालने की बहुत कोशिश की। मामा जी निकल तो गए, लेकिन वो अब जिंदा नहीं थे। अर्जुन उनका सिर गोद में लेकर चीख चीख कर रोने लगा। उसके पापा और मामी को अब होश आ गया था, लेकिन उनके सिर और हाथ से खून निकल रहा था। इधर दूसरी गाड़ी में बैठी अर्जुन की माँ शिखा बुआ गोमती मौसी ने अचानक से निर्मला को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ये शादी नहीं होनी चाहिए, अभी उस अपशगुनी के कदम इस घर में पड़े नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, तो वो जब घर में आ जाएगी तो क्या होगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मेरा भाई नहीं रहा, मेरी भाभी और पति की हालत ऐसी हो गई, ये सब उस लड़की के बुरे भाग्य के कारण ही हुआ है। मैं तो अब ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्या पता शादी के बाद उस अपशगुनी के आने से क्या क्या तबाही हो जाए। पल भर में वो लड़की जो भाग्यशाली थी अपशगुनी हो गई। कलमोही, कुलक्षिणी, कुलनाशिनी, ना जाने क्या क्या शब्द उस बेचारी निर्मला के लिए कहे जाने लगे, जिसे तो पता भी नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। वो बेचारी तो आंखों में सपने लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। बारात आने में बहुत देर हो रही थी, इसलिए सत्यप्रकाश दुबे के माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही थी। तभी बारात की सभी गाड़ियां वहां पहुंची। शिखा बुआ अर्जुन की माँ गोमती मौसी ने पूरी बात बताकर शादी से इनकार कर दिया। सत्यप्रकाश दुबे अपनी बेटी के लिए अपशगुनी शब्द सुनकर उनके पैरों में गिर पड़े। ऐसा मत करिए बहन जी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी बेटी तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। लेकिन सत्यप्रकाश जी के आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन सिर झुकाए रोए जा रहा था। पल भर में सब बदल गया। तभी मामी लंगड़ाते हुए उनके पास गई। उन्होंने सत्यप्रकाश जी को उठाया और कहा, आप मत रोइए, आपकी बेटी अपशगुनी नहीं है दुबे जी,
अपशगुनी तो हम लोग हैं, जो घटना के हिसाब से किसी के माथे पर शगुनी और अपशगुनी का ठप्पा लगा देते हैं। उस बेचारी निर्मला की क्या गलती है मेरे पति की मौत में, ये मेरी समझ से बाहर है। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मरना जीना दुख सुख ये सब तो भगवान की झोली के रतन है, भगवान जब जिसे चाहता है देता है, इसमें किसी का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं। उस लड़की को उसके उस किए की सजा मत दो जो उस बेचारी ने किया ही नहीं। मामी की बात सभी की समझ में आ गई। निर्मला और अर्जुन की शादी बहुत ही सादे समारोह में हो गई। उन दोनों ने अपनी मामी के पैर छुए। बेटा, शुभ अशुभ सब दिमाग का फितूर है, बस लोगों का कभी बुरा मत सोचना, अपना काम किए जाना। निर्मला की जिंदगी तो अर्जुन की मामी ने बचा ली, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसा हो रहा है कि बिना गलती किए कोई सजा भुगत रहा है। कई लड़कियां अपने सिर पर अपशगुनी होने का बोझ ढो रही हैं, इससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या आप तैयार हैं निर्मला की मामी बनकर किसी निर्दोष की जिंदगी बचाने को?